हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव वो हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है रूपा। रूपा इज एन इम्प्रूवड वेराइटी ऑफ, कि रूपा, ये पूछ रहे हैं कि रूपा किसकी वेराइटी है, तो रूपा किसकी वेराइटी है, वॉलनट की। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगोज, निम्नलिखित में से मैंगो की वेराइटी इज डेवलप्ड बाई द क्लोनल सिलेक्शन एंड बियर फ्रूट रेगुलरली। ये पूछना चाहते हैं कि इनमें से कौन सी मैंगो की ऐसी वेराइटी है जो क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा डेवलप की गई है और रेगुलरली क्या करती है, बियरिंग करती है, यानी कि क्या करती है, रेगुलर फ्रूट देती है। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब होता है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई प्रोजेनी का विकास होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोनल, यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से जब कोई वेराइटी का डेवलपमेंट होता है तो उसे हम कहते हैं क्लोनल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्या दिया गया है, निरंजन दी गई है सबसे पहले, फिर मल्लिका दी गई है, फिर दशहरी दी गई है, फिर नीलकरण दी गई है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दशहरी 51। दशहरी 51 कैसी वेराइटी है जो कि मैंगो की क्लोनल सिलेक्शन से डेवलप की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी कि मैच लिस्ट दी गई है, इसे हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है। लिस्ट फर्स्ट दी गई है और लिस्ट सेकंड दी गई है, इसमें हम मैचिंग करते हैं। सबसे पहले दिया गया है कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर में क्या लगता है, डायमंड बैक मॉथ लगता है, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे डायमंड बैक मॉथ को। प्लूटिला जेलोस्टिला जिसका साइंटिफिक नेम होता है। चिली में थ्रिप्स लगता है तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। और ओकरा भिंडी में लगता है सूट एंड फ्रूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर लगता है ओकरा में। और पोटैटो में लगता है कटवर्म, कटवर्म, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट वाला सही, फर्स्ट वाला सही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रूट है और बॉटनिकली कॉल्ड एज हेस्पेरिडियम, जिसे हेस्पेरिडियम कहते हैं। हेस्पेरिडियम क्या होता है, ये वानस्पतिक रूप से जो फल होते हैं ना, जैसे कोई हेस्पेरिडियम होता है, कोई नट होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज में क्या होता है, जूसी फ्रूट होता है, तो जिनमें जूस पाया जाता है वो सभी फ्रूट कैसे होते हैं, हेस्पेरिडियम होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया ओलूर इज ए पोली एम्ब्रियोनी वेराइटी ऑफ विच फ्रूट, ओलूर, ओलूर किसकी पॉली एम्ब्रियोनी वेराइटी है। पॉली एम्ब्रियोनी मीन्स होता है बहुभ्रूणता, जिस एक सीड में अगर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, इम्ब्रियो पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ विच फ्रूट, तो ये किसकी हो जाएगी, मैंगो की हो जाएगी। पॉली एम्ब्रियोनी सिट्रस में भी पाई जाती है और स्ट्रॉबेरी में भी पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, लेकिन ओलूर, कुरक्खन, बप्पाकाई ये सारी वेराइटियाँ किसकी हैं, मैंगो की हैं, और कैसी हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन स्टेम वेजिटेबल, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो स्टेम है, जिसका हम स्टेम क्या करते हैं, खाते हैं, तो हो जाएगा हमारा नॉल कॉल। नॉल कॉल जो है गांठ गोभी, ये कैसी होती है, स्टेम होती है। कैरेट कैसी होती है, रूट होती है। और स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो होता है शकरकंद, जो कैसा होता है, मॉडिफाइड रूट होता है। इसके बाद में रेडिस दिया गया, रेडिस भी हमारी क्या होती है, रूट होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इडबल बनाना, इडबल, इडबल मतलब खाने वाला बनाना, केला, इडबल बनाना फ्रूट इज सीडलेस बिकॉज, ये सीडलेस होता है तो ये क्यों होता है, किस कारण ये सीडलेस होता है, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पार्थिनो, क्या दिया गया है, पार्थिनो कार्पी, यानी कि वेजिटेटिव पार्थिनो कार्पी। जब हम क्या करते हैं, इडबल बनाना तैयार करते हैं, जो खाने वाला बनाना, तो उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव पार्थिनो कार्पी होती है, वेजिटेटिव पार्थिनो कार्पी। बिना निषेचन के फल को क्या कहते हैं, पार्थिनो कार्पी कहते हैं। जब किसी फ्रूट का विकास बिना निषेचन के होता है, विदाउट पॉलिनेशन होता है, तो उसे हम कहते हैं पार्थिनो कार्पी। तो इडबल बनाना कैसे तैयार किया जाता है, वेजिटेटिव पार्थिनो कार्पी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया रत्ना इज ए वेराइटी ऑफ मैंगो, रत्ना किसकी वेराइटी है, मैंगो की है। इज क्रॉस ऑफ, इनकी किस किस के क्रॉस से बनी है, तो रत्ना का क्या हो जाएगा, आर एन ए, यानी कि रत्ना का हो जाएगा
नीलम गुड़े अल्फांसो, नीलम क्रॉस अल्फांसो से कौन सी वैरायटी बनाई गई है, रत्ना बनाई गई है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट पूछा गया है। डायोसियस प्लांट, डायोसियस का मतलब होता है जब किसी एक प्लांट के एक ही फ्लावर पे मेल या फीमेल पार्ट जब अलग अलग पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं डायोसियस प्लांट। तो इसमें हमारा जो डायोसियस प्लांट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पॉन्टेड पॉन्टेड गार्ड, पॉन्टेड गार्ड यानी कि परवल होता है ना, वो डायोसियस प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पे अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेराइटी ऑफ मैंगो, यानी कि पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी वेरायटी मैंगो की नहीं है। तो देख लेते हैं, अर्का अरना दिया गया ये मैंगो की वेरायटी है, अर्का पुनीत दिया गया ये भी मैंगो की वेरायटी, अर्का अनमोल दिया गया ये भी मैंगो की वेरायटी, अर्का हंस, अर्का हंस किसकी वेरायटी है, ग्रेप्स की वेरायटी यानी कि अंगूर की वेरायटी कौन सी है, अर्का हंस। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट आर इंडिजीनियस टू इंडिया, यानी कि ऐसे कौन से फ्रूट हैं जिनका जन्म स्थान भारत में ही है। तो मैंगो का जन्म स्थान भी भारत है और बनाना का जन्म स्थान भी भारत है, बेल का भी जन्म स्थान भारत है, जैक फ्रूट कटहल का भी जन्म स्थान भारत है, आंवला का भी जन्म स्थान भारत है और फालसा का भी जन्म स्थान भारत है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, निम्नलिखित में से सभी क्या है, इंडिजीनियस ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैक्स कोटिंग यानी कि जब हम बैक्स करते हैं, बैक्सिंग करते हैं किसी फल के ऊपर तो क्यों करते हैं। बैक्स कोटिंग ट्रीटमेंट इन्हेंस दी सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट, ये क्या करता है, सेल्फ लाइफ की फ्रूट जो फ्रूट होता है उसकी सेल्फ लाइफ को क्या करता है, बढ़ाता है। बिकॉज इट इज़ ब्लॉक, यानी कि किस चीज़ को ब्लॉक करता है, ट्रांसपीरेशन को, ट्रांसपीरेशन की दर जो होती है ना उसको कम कर देता है या रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होता है फ्रूट की जो सेल्फ लाइफ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किस वजह से बढ़ जाती है, बैक्स कोटिंग की वजह से। जैसे हम बैक्सिंग करते हैं ना तो फ्रूट पे क्या कर देंगे, बैक्सिंग कर देंगे, जैसे कि एप्पल का फ्रूट होता है उस पर हम क्या कर देते हैं, बैक्सिंग कर देते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक मार्केट में रह सकता है। जैसे हम किससे क्यों करते हैं, ये ट्रांसपीरेशन की रेट को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, येलो कलर फ्रूट, येलो कलर्ड फ्रूट एंड वेजिटेबल आर रिच इन, जिन जिन फ्रूट का या वेजिटेबल का कलर येलो होता है, पीलो है, पीला होता है, तो उनमें किसका सोर्स सबसे ज़्यादा होता है। तो रिच सोर्स किसके होते हैं, वो विटामिन ए के, जे जो भी येलो कलर के फ्रूट या वेजिटेबल होते हैं उनका विटामिन ए उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे आप रिप मैंगो देख लो, येलो कलर का होता है तो इसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया पूसा जाइंट, पूसा जाइंट वेराइटी ऑफ पपाया, यानी कि जो पूसा जाइंट वेराइटी है वो किसकी है, पपाया की है। ये कैसी वेराइटी है ये पूछना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया डायोसियस, डायोसियस क्या, डायोसियस वो प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग पाए जाते हैं और इनमें मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो अलग अलग फ्लावर पाए जाते हैं। गाइनो डायोसियस दिया गया, गाइनो मतलब होता है फीमेल पार्ट, और मोनो मोनोसियस दिया गया जिसपे एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर पे पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मोनोसियस। जैसे होता है इसमें मेज, मेज या मक्का कैसा होता है, मोनोसियस होता है। और एंड्रो एंड्रोमोनोसियस दिया गया है, एंड्रोमोनोसियस का मतलब होता है, एंड्रो मतलब होता है मेल पार्ट और मोनोसियस मतलब होता है जब अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पूसा जाइंट कैसी वेराइटी हो जाएगी, पूसा जाइंट हो जाएगी डायोसियस वेराइटी, जिसमें क्या होता है मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज नॉट सुटेबल फॉर जैम मेकिंग, यानी कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिससे क्या कर सकते हैं हम, जैम नहीं बना सकते। तो मैंगो से भी जैम बनाया जाता है और बनाना से भी जैम बनाया जाता है, आंवला से भी जैम बनाया जाता है, एप्पल से भी जैम बनाया जाता है, लेकिन जो लेमन होता है लेमन से जैम नहीं बनता है, इससे कैंडी बनती है, कैंडी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रूनिंग इज बेर, यानी कि बेर में जो ट्रेनिंग प्रूनिंग की होती है, जो हम काट छांट करते हैं तो वो किस सीजन में करते हैं, तो किस सीजन में करते हैं, स्प्रिंग सीजन में। बेर में जो प्रूनिंग करते हैं वो किस सीजन में करते हैं, स्प्रिंग सीजन में। इसमें करते हैं हम मई के महीने में, यानी कि मई के महीने में हम क्या करते हैं, इसमें प्रूनिंग करते हैं बेर में, अप्रैल में। अगला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिच सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि ये पूछ रहा है कि आयरन का रिच सोर्स कौन सा फ्रूट होता है जिसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन या लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है, करौंदा में। किस वेजिटेबल में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, पालक में।
अगला क्वेश्चन दिया गया इडबल बनाना। इडबल बनाना कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। ट्रिप्लॉयड मतलब होता है त्रिगुणित, यानी कि 3n बराबर, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 33 होती, 33 होती है, तो ये कैसा हो जाएगा? ट्रिप्लॉयड हो जाएगा इडबल बनाना। उसमें 2n बराबर कितने होते हैं? 2n बराबर कितने होते हैं? 22 होते हैं। और n बराबर कितने हो जाएंगे? n बराबर कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो बना इडबल बनाना कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो। तो मैंगो की क्या पूछी गई है? बहुभ्रूण वेराइटी, जिसमें एक से अधिक भ्रूण पाया जाता है एक बीज में, उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनिक। इसमें दिया गया सबसे पहले चंद्रकरण, गो ओलूर, सलेम, तो ये सभी वेराइटी कैसी है मैंगो की? पॉली एम्ब्रियोनी है। चंद्रकरण, ओलूर, सलेम, बप्पाकाई, बल्लारी, गोवा, मालभोग, ये सारी वेराइटी आम की कैसी है? पॉली एम्ब्रियोनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है उससे हम किस चीज़ को क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। तो इसको से किसको करते हैं? TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड को हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर से। जैसे इसका यूज हम गन्ने में करते हैं TSS मापने के लिए, गन्ने में TSS मापने के लिए क्या करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं। यदि TSS 18, 17 से 18 होता तो हम समझ लेते हैं कि हमारा जो शुगर कैन है वो कैसा मैच्योर हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वेजिटेबल आर कैंड इन, यानी कि जो वेजिटेबल की कैनिंग की जाती है, डिब्बाबंदी की जाती है, तो उस कब हम वेजिटेबल की कैनिंग करते हैं? जब हमें ब्रायन बनाना होता है। ब्रायन जब बनाते हैं ना, तो वेजिटेबल की हम क्या करते हैं? कैनिंग करते हैं, डिब्बाबंदी करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फ्रूट इज अ ब्लांच्ड बिफोर कैनिंग, यानी कि ब्लांचिंग जब हम करते हैं फूलों की, क्या नाम, फ्रूट की जब हम ब्लांचिंग करते हैं तो किस डिग्री से, कितने डिग्री सेल्सियस पर डिब्बाबंदी के लिए फूल फलों की क्या करते हैं हम? ब्लांचिंग करते हैं। तो वो हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस पर हम ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग की क्रिया किस में की जाती है? फ्रूट एंड वेजिटेबल में। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं इनको, क्या करते हैं? गर्म करते हैं उस क्रिया, पानी में 80 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं इनकी ब्लांचिंग करते हैं। और क्यों करते हैं? डिब्बाबंदी के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया CFTRI इज लोकेटेड एट, यानी कि इसका हो जाएगा सेंट्रल फूड एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वियरिंग वेराइटी ऑफ मैंगो। ये पूछना चाहते हैं कि मैंगो की रेगुलर वियरिंग वेराइटी कौन सी है। तो मैंगो की रेगुलर वियरिंग वेराइटी पूछ रहे हैं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, आम्रपाली। कैसी है? रेगुलर वियरिंग वेराइटी। इससे हमें क्या मिलता है? रेगुलर फ्रूट मिलता रहता है। इससे हमें रेगुलर क्या मिलता है? फ्रूट मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ जाता है, उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है, तो नॉर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं प्रूनिंग इन ग्रेप्स इज डन इन द मंथ ऑफ, यानी किस मंथ में हम क्या करते हैं इसकी प्रूनिंग करते हैं, किसकी? ग्रेप्स की। इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले अक्टूबर दिया गया है, फिर इसके बाद में क्या दिया गया है? अक्टूबर के बाद में दिया गया है, मार्च दिया गया है, और जनवरी दिया गया है। नॉर्थ इंडिया में हम प्रूनिंग ग्रेप्स में करते हैं, वो किस महीने में करते हैं? जनवरी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइनोडायोसियस कल्टीवार ऑफ पपाया। यहाँ पर पूछा गया है गाइनोडायोसियस कल्टीवार ऑफ पपाया, तो गाइनोडायोसियस वेराइटी कौन सी हो जाएगी? पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी कैसी वेराइटी है? गाइनोडायोसियस है। गाइनो मीन्स होता है फीमेल फ्लावर, गाइनो मीन्स क्या होता है? फीमेल, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, गाइनो। और डायोसियस मीन्स क्या होता है? जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट पर अलग अलग फ्लावर में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डायोसियस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूसा मेजेस्टी। पूसा मेजेस्टी कैसी कल्टीवार है इसकी? गाइनोडायोसियस है। हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि और क्वेश्चन करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा और लेंथी हो जाएगा, समझने में भी और देखने में भी दिक्कत आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।